हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एंथनी सर और आज मैं आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक सिखाने जा रहा हूं और वो है जो पोएम हम लोग बुक के अंदर क्लास 10 में, 9th में और बोर्ड की एग्जाम में जो पोएम के क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, वो क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना चाहिए और उसमें कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पोएम होती है उसके क्वेश्चन आंसर लिखने में हमको बहुत दिक्कत होती है और ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसके आंसर जो होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये पोएम के क्वेश्चन आंसर में सिर्फ हम लोग ने जो उसका मीनिंग होता है वो मीनिंग लिख दिया और उसके बाद हमारे पास लिखने के लिए कुछ है नहीं। पर एक्चुअली उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं और वो पॉइंट्स के साथ क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए मैं आपको ये 7 पॉइंट्स मैं सिखाने जा रहा हूँ। ये पॉइंट्स आप सीखिए, पॉइंट्स के साथ ये पोएम स्टडी कीजिए और उसके बाद यही पॉइंट के साथ क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयत्न कीजिए। आपका आंसर बहुत ही अच्छा होगा और बोर्ड के एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू। तो ये है हमारे पास वो 8 पॉइंट जो हमें पोएम अप्रिसिएट करने के लिए लगेंगे या तो पोएम के जो क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं उसके लिए भी ये 8 पॉइंट हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर लिखने में मदद करेंगे। और यही 8 पॉइंट के साथ अगर हम पोएम सीखते हैं तो पोएम का सही मीनिंग हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। तो आइए हम देखेंगे ये 8 पॉइंट क्या है, उसका मीनिंग, उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। नंबर 1 है टाइटल। टाइटल ऑब्वियसली हम सबको पता होता है और वो जो टाइटल होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइटल में कोई भी वर्ड्स में बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत करिए। अगर तुम्हें ऐसा ग्रामेटिकल एरर भी लगता है तो भी उसको चेंज मत करिए क्योंकि पोएट ने जो टाइटल दिया है वही टाइटल हमें लिखना है। और उसके बाद 2nd पॉइंट है पोएट। और जब भी पोएट का नाम लिखते हो तो वहां पर लिखो इज अ ग्रेट पोएट और इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, क्योंकि अगर वो ग्रेट नहीं होता तो उसकी पोएम जो है हमारे सिलेबस में नहीं आती। इसलिए हमेशा याद रखना है कि वो ग्रेट है ही, ऐसा समझ के तुम हर एक पोएट के बारे में ग्रेट लिख सकते हो। ओके, सो यू कैन से दिस इज द पोएम सो सो एंड सो रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, और फिर उसका नाम तुम्हें लिखना है और नाम तुम्हें हमेशा लर्न करना है, हर एक पोएट का नाम तुम्हें आना चाहिए। ओके, और उसके बाद है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम हम लोगों को क्यों इस्तेमाल करनी है? राइमिंग स्कीम एक्चुअली हमको पूछा जाता है राइमिंग स्कीम कैसे हम लोग ढूंढेंगे। सबसे पहले तो जो पोएम की जो लाइन होती है उसका जो लास्ट वर्ड रहता है वो किस कौन सी लाइन के लास्ट वर्ड के साथ राइमिंग होता है उसके हिसाब से हमें राइमिंग स्कीम ढूंढनी है। अगर पहली लाइन और दूसरी लाइन में लास्ट 2 वर्ड्स अगर राइमिंग्स होते हैं तो ए ए ऐसा लिखना होता है, फिर उसके बाद तीसरी लाइन और चौथी लाइन का अलग होता है तो फिर बी बी। ओके, तो राइमिंग स्कीम हम लोगों को सीखना है। तो बहुत सारी पोएम होती है जिसका राइमिंग स्कीम ए ए बी बी होता है या तो फिर ए बी ऐसा होता है या तो फिर ए बी बी ए ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये राइमिंग स्कीम हम लोगों को सीखना है। उसके बाद है फेवरेट लाइन। फेवरेट लाइन अप्रिसिएट करते वक्त तुम्हें कोट करना है, उसको कोटेशन में लिखना ट्राई करो। क्यों? क्योंकि जब तुमने कोई भी पोएम की लाइन कोटेशन में लिखी है वो भी एक लाइन छोड़ के फिर उसके बाद पोएम का लाइन उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, तो वो जो तुम्हारा आंसर है वो थोड़ा उभर के आता है। जो 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 भी करेक्शन कर रहा है उनको क्लियरली दिखता है कि नहीं इन्होंने पोएम पढ़ा है और उनको पोएम बहुत अच्छी लिखी है, अच्छी लगी है, इसलिए उन्होंने एक लाइन उन्होंने एटलीस्ट कोटेशन में रखी है। तो तुम्हारी फेवरेट लाइन तुम्हें लिखनी होती। क्वेश्चन आंसर में भी तुम ट्राई करो कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड कोई लाइन है तो उसको तुम कोटेशन में लिखो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 5 थीम, सेंट्रल आइडिया। तुम्हें स्टडी करते वक्त तुम्हें पोएम का जो सेंट्रल आइडिया, जो मेन थॉट है वो तुम्हें पता होना चाहिए। किसके बेस पे, कौन से थीम के ऊपर पोएम लिखी गई है वो तुम्हें पता होनी चाहिए ताकि तुम वो पोएम अच्छी तरह से उसका आंसर, जनरली पोएम के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं लंबे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं 8 मार्क्स 10 मार्क्स के, वो थीम के ऊपर ही पूछे जाते हैं। यानी तुम्हें वो आंसर के अंदर थीम तो डिस्क्राइब करना ही करना है, सिवाय कि अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर आया है तो तुम वो वाला आंसर स्पेसिफाई करो और वो भी सेंट्रल आइडिया जो थीम है उसके पैरेलल जाना चाहिए। ओके, उसके बाद है फिगर्स ऑफ स्पीच। पोएट ने पोएम अच्छी लिखी है
वो दिखाने के लिए हम लोगों को उसमें से फिगर्स ऑफ स्पीच एटलीस्ट एक या दो ढूंढ के निकालनी है और वो लिखना है कि पोएट ने फिगर्स ऑफ स्पीच का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है ये अप्रिसिएट करने के लिए। क्वेश्चन आंसर में भी अगर तुम कोई भी एक फिगर ऑफ स्पीच एक या दो लिख देते हो तो भी तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट सेवन पॉइंट में लिखा है स्पेशल फीचर। अभी ये स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं पोएम के, ठीक है। पोएम के अंदर ये चार पॉइंट है जो हमें सीखने हैं। नंबर वन कि पोएम का जो टाइप है वो कौन सा है, और ये सीखने के लिए तुम्हें सर फोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी दिया गया होता है। जब तुम पोएम स्टडी करते हो तो पहले इंट्रोडक्शन में पोएट जो होते हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उनका बैकग्राउंड दिया जाता है, और उसके बाद लास्ट टू लाइन में टू थ्री लाइंस के अंदर पोएम का एक जनरल बैकग्राउंड देते हैं और उसके अंदर लिखा होता है कि ये पोएम का टाइप कौन सा है, ठीक है। उसमें सोनेट हो सकता है या तो बलाड हो सकता है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स में मेरे अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा, पर वो कौन सा टाइप है वो टाइप भी सीख के लीजिए और उसका मीनिंग क्या होता है वो भी आपको, वो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर लिखते हो या तो अप्रिसिएशन लेटर लिखते हो उसके अंदर तुम्हें ये लिखना है। नेक्स्ट लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की है, हाई टोन है, लो टोन है, जो लैंग्वेज है ओल्ड इंग्लिश इस्तेमाल किया है या तो लेटेस्ट इंग्लिश इस्तेमाल किया है, या तो फिर लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन उन्होंने लाया है, कोई दो वर्ड्स को मैच करके कोई नया वर्ड बनाया है, वो सारी चीजें तुम्हें लिखनी है, या तो कोई वर्ड है उसको कट करके उन्होंने आधा लिखा है, वो सारी चीजें तुम्हें लिखनी होती है। उसके बाद टोन है, और यहाँ पर टोन में हम लोग क्या सीखेंगे, टोन कैसा होता है, सैड होता है, हैप्पीनेस होता है, एक्साइटमेंट होता है, वो सारे टोन है। तो पोएम के वो टोन भी तुम लिख सकते हो कि पोएट जब इतना हैप्पी था तो उन्होंने ये मूड में ये पोएम लिखा है, या तो सैड था वो मूड में उन्होंने पोएम लिखा है। उसके बाद है इम्प्लाइड मीनिंग। पोएम के दो मीनिंग हो सकते हैं, हर एक पोएम के नहीं, क्योंकि जो ह्यूमरस पोएम होते हैं उसमें इतने ज्यादा सिर्फ सिंगल मीनिंग ही रहता है, पर ज्यादातर पोएम के दो मीनिंग रहते हैं, एक तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग और दूसरा होता है इम्प्लाइड मीनिंग। वर्ड टू वर्ड मीनिंग का मतलब जो पोएम तुम पढ़ते वक्त जो मीनिंग तुम्हें समझ में आता है उसको बोलते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग, और दूसरा होता है इम्प्लाइड मीनिंग जिसको हम लोग हिडन मीनिंग भी बोल सकते हैं। ये पोएम के पीछे कोई एक मीनिंग है जो छुपा हुआ है और वो मीनिंग तुम्हें ढूंढ के निकालना है, उसके वो जब आंसर लिखते हो तो उसके अंदर वो हिडन मीनिंग भी तुम्हें लिखना होता है, ओके। और उसके बाद है ये आठवां जो पॉइंट है वो सिर्फ अप्रिसिएशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन आंसर में हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहां पर लिखा है व्हाई आई लाइक दिस पोएम एंड व्हाई आई डिसलाइक, याद रखो तुम्हें डिसलाइक ज्यादातर नहीं लिखना है, 99% ये पोएम मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसा तुम नहीं बोल सकते, तुम्हें ऐसा ही बोलना है कि आई लाइक द पोएम, मुझे अच्छा लगा और क्यों लगा वो पॉइंट्स तुम्हें बताने होते हैं। इतना ये आठ पॉइंट के साथ आप अपना अप्रिसिएशन आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो, और जो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है और मेन थीम के साथ क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, तो तुम ये सात पॉइंट्स के साथ तुम्हारा आंसर लिखोगे, तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा होगा, बहुत लंबा होगा और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कोटेशन भी दिख रहे, फिगर्स ऑफ स्पीच दिख रहे, स्पेशल फीचर्स भी दिख रहे, तो जो मार्क्स देने वाला है जो टीचर है वो तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। और इस प्रकार से पोएम आप इवन पढ़ाई करते वक्त भी यही पॉइंट्स को ध्यान रख के पढ़ाई करो, पोएम स्टडी करो, और आंसर लिखते वक्त ये सारे पॉइंट्स याद रखो, तुम्हारे आंसर बहुत ही अच्छे होंगे, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ओके। ये वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।